नमस्कार, समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रेन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से रूबरू कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रेन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे में अखिल भारतीय शिक्षा समागम और अक्षय पात्र मिड डे मील का किया उद्घाटन। नई शिक्षा नीति को देश के लिए बताया जरूरी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाई उपलब्धियां। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए चुने 10 सेक्टर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हुआ निधन। राजनीतिक रैली के दौरान गोली लगने से हुई मौत। पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा प्रिय मित्र शिंजो के दुखद निधन से हूं स्तब्ध। दिल की बीमारियों का पता लगाएगी माइक्रोचिप डिवाइस। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने बनाया उपकरण। और अब न्यूज विद चिल्ड्रन में खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम को संबोधित करते हुए कहा कि केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को दें। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला मूल मंत्र युवाओं को संकुचित सोच से निकालकर उसे तकनीकी और उन्नत सोच की ओर ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अक्षय पात्र मिड डे मील का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया। वाराणसी में तैयार किए गए विशालकाय अक्षय पात्र किचन में 1 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जाएगा। अक्षय पात्र किचन में कई आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इस किचन में लगी रोटियां बनाने की मशीन से केवल 1 घंटे में 40,000 रोटियां तैयार हो जाएंगी। पहले 25,000 बच्चों के लिए खाना बनाने से अक्षय पात्र किचन की शुरुआत हुई है। 6 महीने बाद 1 लाख बच्चों का खाना बनेगा। अक्षय पात्र रसोई के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ संवाद भी किया। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार को जो दूसरा कार्यकाल जनता ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को हासिल करने के लिए सरकार ने 10 सेक्टर चिन्हित किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में निवेश और उद्योग का सपना हकीकत में बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में पौधारोपण कर बृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। कहा पर्यावरण संरक्षण में सबका साथ जरूरी। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चित्रकूट में पौधारोपण कर बृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के कुकरेल जंगल में एक पौधा लगाया। 15 अगस्त तक राज्य भर में करीब 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने गुजरात में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम ने डिजिटल इंडिया के कई फायदे भी बताए। देश के लोगों के जीवन को बदलने में डिजिटल टेक्नोलॉजी की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने विभिन्न सेवाएं मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन जाकर सभी लाइन को समाप्त कर दिया है। डिजिटल इंडिया ने गरीबों को भ्रष्टाचार से राहत दी है और वह सभी क्षेत्रों में बिचौलियों को खत्म करने के लिए काम कर रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। पूरे देश में 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली लगने से मौत हो गई। नारा शहर में उन पर एक शख्स ने पीछे से गोली चला दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे पर जब यह हमला हुआ तब वो एक छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
बताया गया है कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध हूँ। पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर पूरे देश में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। अपनी ही पार्टी में बगावत के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक वह इस पद पर बने रहेंगे। ब्रिटेन में जारी सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि वह अपना सबसे प्रिय काम छोड़ रहे हैं और वह नए प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग करेंगे। बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत हो गई थी। उनकी सरकार में शामिल 41 मंत्री इस्तीफा दे चुके थे, तब से उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था। केंद्र सरकार ने देश की महान एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा के लिए नामित किया है। पीटी उषा के साथ ही संगीतकार इलैयाराजा, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र हेगड़े और स्क्रीन राइटर वी विजयेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर चारों लोगों को बधाई दी। सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त अब नहीं होगी मजदूरों की मौत, आईआईटी मद्रास ने बनाया रोबोट। सेप्टिक टैंकों को साफ करने के लिए आईआईटी मद्रास की ओर से रोबोटिक होमोसिप बनाया गया। इसकी मदद से अब सफाई करने के लिए श्रमिकों को सेप्टिक टैंक के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। आईआईटी मद्रास के एक स्टार्टअप ने स्थानीय समुदायों के परामर्श से टैंकर पर लगे इस रोबोटिक सिस्टम को विकसित किया है। ब्लेड के साथ रोबोटिक आर्म जो खुल और बंद हो सकता है। ये रोबोट सेप्टिक टैंक के निचले भाग तक पहुंचता है, कीचड़ को कुचलता है और इसे वहां से बाहर निकालता है। दिल की बीमारियों का पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने खोजा एक उपकरण जो दिल की बीमारियों का पता लगा सकता है। हार्ट अटैक वैश्विक स्तर पर मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है, जबकि दुनिया भर के देश इन बीमारियों के इलाज के नए तरीके विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिडनी विश्वविद्यालय में ऑस्ट्रेलियाई जैव चिकित्सा इंजीनियर द्वारा एक पिनप्रिक परीक्षण किया गया, जिससे स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। यह माइक्रोचिप डिवाइस मनुष्यों में हृदय संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए रक्त नमूनों का विश्लेषण करेगा। कनाडा में एक नई जीव की खोज की गई जो आज से करीब 30,000 साल पहले जिंदा था। कनाडा में खुदाई के दौरान एक नया जीव पाया गया। बेबी एलिफेंट के आकार वाले जीव को बेबी ममोथ कहा जा रहा है। विचित्र जीव का वैज्ञानिक नाम नुनचागा रखा गया। आश्चर्य की बात यह है कि यह जीव बर्फ में कुछ इस तरह पाया गया जैसे वो जीवित हो। हाथी जैसे दिखने वाले इस जीव के शरीर में अभी भी बाल चिपके हुए हैं, जिसके कारण वह सजीव दिख रहा है। खोज से पता चला है कि यह एक मादा जानवर था जिसकी मृत्यु करीब 30,000 साल पहले हो गई थी। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने 70 साल बाद खोजी फिर एक जगह, जहां पर है 26 करोड़ साल पुराने जीवाश्म। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कई दशक पहले एक अनोखी साइट का पता लगाया था, जहां करोड़ों साल पुराने जीवाश्म अच्छी तरह से संरक्षित थे, लेकिन तकनीक के अभाव में ये साइट वैज्ञानिकों से खो गई थी, जिसकी खोज 70 साल बाद फिर से की गई है। लंबे समय से खोई हुई इस साइट की जियोलॉजिकल स्थितियों की वजह से यहाँ जीवाश्मों का खजाना संरक्षित है। ये जीवाश्म पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विलुप्त होने की घटनाओं में से एक है। वैज्ञानिकों ने लिली की दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति जायंट वाटर लिली खोजी है। पानी में खिलने वाले लिली के फूल की एक नई प्रजाति पाई गई है जो दुनिया में सबसे बड़ी है। इसके लिली पैड करीब 3.2 मीटर चौड़े हैं और फूल एक इंसान के सिर से भी बड़े हैं। इस वाटर लिली को लंदन और बोलिविया के वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा है। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। एस्बेस्टन टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 7 विकेट से हराया। एस्बेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ करा ली है। एस्बेस्टन टेस्ट की चौथी पारी में इंग्लैंड को जीत के लिए 378 रन टारगेट मिला था, जिसे मेजबान इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सीनियर खिलाड़ियों को दिया गया है आराम। बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज दौरे के लिए वनडे टीम की घोषणा कर दी है। वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है, वहीं सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। भारतीय टीम 22 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक वेस्ट इंडीज दौरे पर रहेगी। इस दौरान टीम 3 वनडे और 5 टी20 खेलेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ
3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 39 रन से शिकस्त दी और 3 वनडे की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। फुल टाइम कप्तान बनने के बाद पहली वनडे सीरीज खेलते हुए हरमनप्रीत कौर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वनडे सीरीज से पहले भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को T20 सीरीज के सभी मैचों में हराया था। सानिया मिर्जा का विंबलडन के मिक्स डबल का खिताब जीतने का ख्वाब टूटा, सेमीफाइनल में खत्म हुई चुनौती। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का सेमीफाइनल में हार के बाद विंबलडन मिक्स डबल्स इवेंट में सफर समाप्त हो गया। यह उनका इस टूर्नामेंट में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। विंबलडन मिक्स डबल सेमीफाइनल में सानिया अपने क्रोएशियाई साथी मिट पाविक के साथ नील्स कूप्सकी और देसिरा क्रावस्की से हार गई। इससे ग्रास कोर्ट में ट्रॉफी जीतने का उनका सपना चकनाचूर हो गया। सानिया मिर्जा ने पहले ही घोषणा की थी कि वह मौजूदा सत्र के अंत में खेल से संन्यास ले लेंगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव की सीरीज में आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसकी वीरता के किस्से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के इतिहास में स्वराक्षरों में अंकित हैं। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के छोटे बड़े राज्य धीरे धीरे अंग्रेजों के राज्य हड़पने की नीति के तहत ब्रिटिश हुकूमत में मिलाए जा रहे थे। उस दौर में एक महिला वीरांगना ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए और नाम था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 13 नवंबर सन 1828 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। बचपन से ही मणिकर्णिका यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को पुरुषों के साथ खेलना कूदना, तीर तलवार चलाना, घुड़सवारी करना पसंद था। सन 1842 ईस्वी में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर के साथ हुई। 20 नवंबर 1853 में गंगाधर राव ने एक बच्ची को गोद लिया। गोद लेने के दूसरे दिन ही गंगाधर राव की मौत हो गई। गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया और झांसी को विलय करने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। मार्च 1858 में कर्नल ह्यूरोस की अगुवाई में अंग्रेजी सेना ने झांसी पर हमला कर दिया। ह्यूरोस रानी लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रही। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अदम्य वीरता दिखाई। लगभग 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अपने छोटे बेटे दामोदर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई को कालपी जाना पड़ा। कालपी जाकर उन्होंने तांतिया टोपे के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के करीब कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई का सामना एक बार फिर अंग्रेजों से हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने एक बार फिर अदम्य शौर्य दिखाया और भारी संख्या में मौजूद अंग्रेजी सेना का डट कर मुकाबला करते हुए रानी बुरी तरह घायल हो गई। युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने से पहले रानी लक्ष्मीबाई ने सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उनकी बहादुरी के गवाह रहे कर्नल ह्यूरोस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उनकी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए मशहूर रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।